कैसे उस रिलेशन को फिर से ठीक किया जा सकता है आप कैसे लाए वो अरे नॉर्थ ईस्ट में बैठो कम्युनिकेशन होने लग जाएगी मतलब ईस्ट में जाएंगे <laughs> तो हाँ जाना पड़ेगा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है आयुष <laughs> किसी की शादी नहीं हो रही है yes. या किसी स्पेसिफिक पर्सन से करनी है पर घर वाले मान नहीं रहे Okay. और दोनों के बीच में बहुत प्यार है तो साउथ वेस्ट में में कपल फोटो अपनी जो भी आप लगा सकते हो। लेकिन तो, घर घर कैसे? इस जन्म में भी तो yes. तो obviously उन्होंने आपका कुछ किया होगा श्राद्ध वगैरा okay. आपकी डेथ के बाद इन श्राद्ध वाले महीनों में तो आपको भरा पेट भरा भरा सा फील होगा आपको भूखी नहीं लगेगी ज्यादा ऐसा होता है और सिंगल्स के लिए कोई रेमेडी ओके सिंगल्स के लिए लड़की लड़की नहीं नहीं मिल मिल रही है है। किसी लड़की को लड़का नहीं मिल रहा ओके सबसे okay, तो <laughs> पहले भाई कपल्स uh, को पूजना चालू करो इन द सेंस कि कपल फॉर्म में देवता है अगर आप अकेले शिवजी को पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली वो अकेले आपको वैराग्य ही देंगे हे गाइज वेलकम टू द खैरा शो आ गई हूं मैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ लेकिन ये जो नया गेस्ट है इनके साथ मैंने पहले भी पॉडकास्ट बनाया और आज मुझे मौका मिला है क्योंकि वो दोबारा स्टूडियो में आई है और आज इनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे हम वास्तु के बारे में एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पितृ पक्ष जो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे और आने वाली नवरात्र के बारे में बात करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं और आपके ही बहुत सारे कमेंट्स हैं जहाँ पे आपकी बहुत सारी क्वेरीज रही है कि वास्तु में ये कैसे होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना विद्या को बुलाकर हम ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप तक पहुंचा सके तो देखते रहिए एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द खैरा शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए क्योंकि आप वीडियो से देख लेते हैं अपने क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और आपके क्वेश्चन के जवाब भी मैं दे देती हूँ गेस्ट को बुलाकर लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते तो डू सब्सक्राइब माई चैनल तो चलिए मिलते हैं अपने गेस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट विद्या से हेलो विद्या कैसे हो मैं बहुत बढ़िया आप बताओ थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट चैनल एंड द खेरा शो में आने के लिए mm -hmm. बहुत बहुत थैंक यू हमारी लास्ट बात हमने जब की थी वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थी हमने uh, कुछ पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में बात की थी yes. वशीकरण एंड ब्लैक मैजिक आज का जो पॉडकास्ट है वो सिंपली सिंपली रेमेडीज के बारे में बात करेंगे मेरे जो लास्ट पॉडकास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए लोगों के बहुत सारे जो क्वेरीज है yes. उसको आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे okay. तो आ, मैं चाहती हूँ कि आप बस कुर्सी की पेटी बांध लो और जिन लोगों ने भी क्वेश्चन लिखे हैं भर भर के उनके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आज उनको आंसर मिलेंगे रेमेडीज मिलेंगे yes. आ, तो मैम पहले हम इस बात से शुरू करते हैं कि डायरेक्शंस घर में Hmm. एक सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कि किसी को अगर कंपास से देखना है hmm. अपने घर के डायरेक्शन फेसिंग देखनी है घर की yeah. तो उसके लिए सबसे प्रॉपर तरीका क्या है बेसिकली ब्रह्मस्थान से ही आपको हर एक डायरेक्शन देखनी चाहिए okay. ब्रह्मस्थान मतलब बीचों बीच जो सेंटर है आपके घर का hmm. वहां से ठीक है और अगर फेसिंग डोर की फेसिंग देखनी है तो बेसिकली आप अंदर से देखो डोर के बाहर से नहीं देखनी है आपको अंदर से देखनी है ओके okay. घर के अंदर घर के अंदर के? से खड़े होकर आपको डोर की फेसिंग देखनी है घर के अंदर आ, मैं और ज्यादा डिटेल में जा रही हूँ तो क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती हूँ इस बात पे क्वेश्चन आए कि लोग इसी बात पर क्लियर हो जाए yes. कि हम अपने डोर पे खड़े हैं yes. और और डोर में हम बाहर की तरफ देख रहे हैं या हम घर के अंदर की तरफ देख रहे हैं घर के बाहर की तरफ आप देख रहे हो सो वो जो आ रहा है वो हमारी फेसिंग है वो हमारी फेसिंग है ओके आई होप ये क्वेश्चन का आंसर सबको मिल गया होगा बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ये जानना चाहते हैं कि जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं बहुत सारी डायरेक्शंस हैं बहुत सारे जोन्स आते हैं yes. हम डिटेल में बात नहीं करेंगे हालांकि हर पॉडकास्ट में हम इसके बारे में बात करते हैं okay. और लोगों को काफी हद तक क्लियर भी हो चुका है कि कितने जोन्स होते हैं कितने डायरेक्शन होते हैं राइट right? हम बात करेंगे बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि डब्ल्यू क्या होता है ओके okay. ठीक द्वारिका एक देवता है एजुकेशन W2 W2 अच्छा के लिए बहुत है okay. अगर किसी के घर के अंदर एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ है तो उसको कर सकते हैं मेन एंट्रेंस आप बना सकते हो डब्लू टू विच इज गुड विच इज गुड और डोर का कलर आपको व्हाइट या फिर येलो ही रखना चाहिए फॉर स्पेसिफिक रीजन यस ओके कलर्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर uh, मेरा ये क्वेश्चन मैंने लिखा भी है बहुत सारे लोगों का ये होता है कि घर में बहुत अलग अलग जोन होते हैं अलग अलग जोन के अलग अलग कलर्स होते हैं राइट बेडरूम कहीं पे पड़ रहा है हॉल uh, कहीं पे पड़ रहा है किचन yes. कहीं पे पड़ रहा है आप क्या रिकमेंड करोगे कि अगर हम बहुत सारे कलर्स को ना के अगर हम कोई एक कलर जो सारे जोन को के लिए यू नो बेनिफिशियल रहेगा

चीज, चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव हर एक है डार्क hmm. कलर्स का भी ऐसा ही है। राइट। यस। इसलिए डार्कनेस भरे रूम में पेशेंट्स को नहीं रखते स्टूडेंट्स नहीं बैठ सकते डिप्रेशन आ जाता है। है। कभी कभी ठीक बट स्टिल मतलब किसी के लिए भी मना ही करेंगे हाँ, मना कि ही लो? करेंगे कि वो कहीं ना तो ब्लैक या डार्क कलर के आपको अभी पहले ना ये सारे जो क्वेश्चन के सेगमेंट हैं पहले yes. उसको कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो में आगे हम थोड़े से पितृ पक्ष के बारे में बात करेंगे जरूर, चल रहा है है वो जरूर, एंड आने वाली नवरात्रि yes. तो माता के बारे में और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके yes. बारे में भी हम, हम लेटर ऑन वीडियो yes. बात करेंगे साउथ वेस्ट uh, का जो बाथरूम होता है एंड नॉर्थ ईस्ट का जो बाथरूम दोनों किचन एंड बाथरूम ऑफ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट लोग कहते हैं की ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है यस तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कितना बड़ा वास्तु दोष है और इसकी कोई रेमेडी है इसकी कोई ट्रीटमेंट हो सकती है बिल्कुल हो सकती है आ, पहले तो आपने नॉर्थ वेस्ट का किचन बताया हाँ नॉर्थ वेस्ट में किचन नहीं होना चाहिए बेसिकली बट अगर है तो मेक श्योर दैट आप बीच में सिंक बना दो। बीच, बीच में एज इन नॉर्थ एग्जैक्ट है ना सामने सामने ही है हाँ। शायद तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक तो डोर आप बना सकते हो बाथरूम डोर आपका येलो कलर का ही होना चाहिए बेसिकली या फिर आप किचन और बाथरूम uh, के बीच में आप सिंक बना सकते हो अच्छा। ताकि वो वास्तु दोष हट जाएगा या मतलब घट जाएगा बेसिकली okay. तो ये आप कर सकते हो इससे बेसिकली क्या हो सकता है बीमार लोग ज्यादा रह सकते हैं किचन वहां होने की वजह से प्लस एक्सीडेंट्स भी हो सकते ओके यस हेल्थ ठीक है ठीक है बट स्टिल उसकी रेमेडीज आपको करनी पड़ेंगी इतना कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है आप छोटे छोटे रेमेडीज से भी वो ठीक कर सकते हो बेसिकली वहाँ नहीं होना चाहिए वेस्ट में आप कर सकते हो या फिर वहाँ है तो डेफिनेटली आपको वहां पे ब्लू कलर की टेप आपको लगानी चाहिए अच्छा आप कमोड़ के चारों तरफ लगा दो ब्लू कलर की टेप ठीक है चारों चारों तरफ, चारो तरफ। आ, मतलब अगर वेस्टर्न वेस्टर्नोडर्न वेस्टर्न कमोड है तो हर एक मतलब जो भी लाइंस है वहां पे आपको वो ब्लू कलर की टेप लगानी ही लगानी है ओके यस Uh, आप बेसिकली uh, जो आपका है उसको वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो, है okay. ना? या फिर आपका जो कमोड है उसको आप ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो बाथरूम के इन तो आप वो चीजें ध्यान रखो और बेसिकली ये सब करके एक आलम का आप आलम रख सकते हो नेगेटिविटी वही रह जाए डोर आपको हमेशा क्लोज करके ही रखना है आलम मतलब फिट कर ही होता है okay. वो आप रख सकते हो और डोर हमेशा क्लोज ही क्लोज ही रहना चाहिए अगर सेम चीज हम बात करें हमारे साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट या किचन आ जाता है तो उसके लिए क्या रेमेडी आप बताओ साउथ वेस्ट के लिए मैं ये बोलूंगी की ब्रिक्स ब्लैक कलर अवॉइड करिएगा हर एक मतलब साउथ वेस्ट में ब्लैक कलर बिल्कुल अच्छा नहीं होता वो भी एक्सीडेंटल यूज uh, है वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन या फिर रिलेटेड uh, टू तो आपके स्टमक जो है उसकी प्रॉब्लम yes, yes, yes. okay. तो ये सारी वो देता है तो ब्लैक कलर आप अवॉइड करिएगा उससे अच्छा आप ग्रीन uh, कलर का मार्बल आए उसको ग्रीन कलर का मार्बल आप यूज कर सकते हो वहाँ hmm. तो वो कर सकते हो कलर थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप बाथरूम या किचन या ये कर सकते हो तो वहां पे इम्पोर्टेंट है बट एक स्पेसिफिक कलर ही आपको यूज करना चाहिए ओके okay. अगर आ, मैं ये बात करूं कि ऐसा काफी सारे लोग कहते हैं कि आ, साउथ ईस्ट में आपका किचन होना चाहिए यस yes. आ, एक अच्छा वास्तु घर ये बोलता है कि आपके साउथ ईस्ट में किचन होना जी. चाहिए तो एक आइडल किचन में कलर्स अगर मैं इंक्लूड कर दूँ कि कलर्स के हिसाब से सिंक कहाँ होनी चाहिए स्टोर वाली जगह कहाँ होनी चाहिए स्लैब कहाँ होना चाहिए इसमें गैस कहाँ पे रखी होनी चाहिए अगर आप मुझे एक आइडल किचन बताओ बेसिकली किचन साउथ ईस्ट में आप किचन कर दीजिए बेसिकली और गैस का बर्नर आपका वही अगर सही डायरेक्शन में वेस्ट में भी आप रख सकते हो बट आपको ब्लैक कलर यूज नहीं करना जैसे मैंने बोला आप किचन का वो जो होता है स्लैब होता है उसको आप ब्लैक कलर का मत करवाइएगा ठीक है अगर किसी का है तो गैस बर्नर आपको ग्रीन कलर के पेंट करने पड़ेंगे ओके okay. यस yes, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंक इज नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए सिंक आपका नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ओके okay. यस yes. और रेफ्रिजरेटर वगैरह अगर रखना है आपको तो साउथ वेस्ट में रख दो ओके ये वो रख सकते हो आप वहां पे भारी भरकम चीजें ही या स्टोरेज वगैरह हो गया हाँ. या मसालों के डिब्बे आपका कैबिनेट हो गया वो आप साउथ वेस्ट पे रख सकते हो जैसे आइडल आजकल सभी घर में देखा जाता है चाहे वो अपार्टमेंट हो चाहे वो प्रॉपर घर हो कि जो गैस जहाँ पे हमारा चूल्हा रहता है उसी स्लैब से ही या तो ऐसे एल शेप में या फिर सीधा सीधा उसी में बेसन बन जाता है

वहां पे मेक श्योर दैट आप गोल्डन कलर की बॉर्डर अगर करवा सकते हो हो तो okay. तो तो कर वो वो आपके लिए लकी रहेगा तो दोष रहा है कट तो कट जाएगा कर जाएगा बैसिकली। 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 okay. किसी का ऐसा क्वेश्चन था कि प्लांट्स की प्रॉपर डायरेक्शन क्या है नॉर्थ से लेके ईस्ट तक आप प्लांट्स कहीं भी रख सकते हो ठीक है नॉर्मल प्लांट जैसे पाम ट्री हो गया या बहुत सारे छोटे मोटे मनी प्लांट हो गया ऐसे प्लांट्स आप रख सकते हो अगर साउथ okay. में आपको प्लांट्स रखने हैं तो आप शमी का पौधा लेके आओ या फिर जो प्योरिशन के लिए भी होता 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 है 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 एक कौन सा पौधा कैक्टस कैक्टस उसको आप साउथ में में रख सकते हो ओके okay. हाँ. कहते हैं कि घर में नहीं रखना चाहिए uh, रखना चाहिए वो नेगेटिविटी uh, अपनी तरफ uh, खींच लेता है ओके okay. so yes. uh, कही ना कहीं चाहिए Uh, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी हैं जो मेरे कमेंट uh, पे रील पे भी मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब वाले वीडियोस पे भी पिछले पॉडकास्ट में आकर की थी इवन मेल का भी होता है कि डिवोर्स अगर किसी घर में चल रहा है केस yes. तो डिवोर्स रोकने का वास्तु में क्या उपाय है ओके okay. तो एस्ट्रोलॉजी इसमें हम इंक्लूड uh, थोड़ा सा करेंगे पहले वास्तु रिलेटेड में बता देती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपका डिवोर्स वगैरह कुछ केसेस चल रहे हैं तो बेसिकली आप आपका जो बेडरूम है वहां पे साउथ ईस्ट में ज्यादा टाइम स्पेंड किया करिए कम्युनिकेशन हो या थोड़ा बहुत कुछ तो हो uh, आपका बेडरूम का बेडरूम के नॉर्थ में आपको मोरपंख जरूर लगाने चाहिए okay. और एक हंस का जोड़ा हो गया या फिर uh, का जोड़ा हो गया ऐसी फोटो फ्रेम आती है वो आपको नॉर्थ में लगानी चाहिए और अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप दोनों की जो फोटो है कपल फोटो साउथ वेस्ट में आपके बेडरूम में साउथ वेस्ट में आपको उसको स्टिक करना है विद द गोल्डन फ्रेम ओके अगर मान लो कि उन लोगों का बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं आ रहा है यस yes. तो वो घर के साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं हाँ घर के साउथ वेस्ट में लगानी है ओके okay. सो so, इससे कहीं ना कहीं रिलेशन ठीक ठीक हो जाएगा ओके okay. या फिर और एक उपाय है कि आप हनुमान जी जो हुए दक्षिण मुखी हनुमान की फोटो आती है उसका सिंदूर मतलब उस पर चढ़ा के आप खुद लगा सकते हो तो भी डिवोर्स थोड़ा सा जो भी प्रोसीजर okay. है उसमें रुकावट आ जाती है चीजें सुलझने लगती है अच्छा तो ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी की हाँ और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड अगर देखा जाए तो अगर आपका चंद्रमा है वो जो वीक है या वो 6th तो और 12th से कॉम्बिनेशन बना रहा है hmm. लग्नेश पीड़ित है सप्तमेश पीड़ित है या द्वादश पीड़ित है कुछ ना कुछ तो होगा शनि मंगल केतु और सूर्य यही प्लैनेट्स आपके डिवोर्स के कारक होते हैं अभी रिसेंट मैंने एक नोटिस किया कि शनि गुरु का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा डिवोर्स के लिए कारक होता है ओके okay. तो ये चीज है या yeah, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने कुंडली के हिसाब से और एक्स्ट्रोलॉजी yes. के हिसाब से भी यू नो डिवोर्स एंड रिलेशनशिप में जब डिस्प्यूट होते हैं क्यों होते हैं किन वजह uh, से होते हैं मुझे याद आ रहा है कि हमने जो लास्ट पॉडकास्ट किया था हमने हाँ। ये सारी चीज बहुत डिटेल में तब क्योंकि हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी वीडियो बनाया था तो हमने काफी डिटेल में इस बारे में डिस्कशन की थी जिन लोगों ने ये वो वाला पॉडकास्ट नहीं देखा है मैं आई बटन में डाल दूंगी उस वीडियो का लिंक प्लीज आप जाकर देखिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी ताकि आप आराम से जाकर देख सकते हैं हमने वहाँ पे बहुत डिटेल में एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की थी और एस्ट्रोलॉजी के वजह से या आपकी कुंडली में कुछ यू नो प्लेसमेंट जब गलत हो जाते हैं कुछ ग्रहों के तो कैसे वो आपके लाइफ में रोल प्ले करते हैं और उसकी रेमेडीज क्या है उसके बारे में बात की थी तो जरूर ओके मूविंग ऑन ये काफी सारे हैं okay. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर कर्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम में फंस जाते okay. हैं उनके लिए क्या रेमेडी है ऐसा है तो वेस्ट डायरेक्शन इज फॉर द गेम्स ठीक है आ, वहां पे आप चीजें रख सकते हो मोस्टली आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर पेपर्स हो गए बट द साउथ वेस्ट अनएक्सपेक्टेड गेन्स है ठीक है, है तो आप अनएक्सपेक्टेड गेंस के लिए डेफिनेटली आप वहां पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखिए पैसे रखिए जो चाहे वो रख सकते हो तो वहां से डेप्स आपके ठीक हो जाएंगे प्लस अगर आपको डेप्स से ही निकलना है या कर्जा लिया हुआ है देना है ऐसी कुछ चीजें हैं तो आप उस पर्सन का नाम एक वाइट पेपर पे लिख के ब्लू कलर के पेन से स्पेसिफिकली आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट पे रखिएगा ताकि आप डेप से छुटकारा पा सके बस ऐसे लेके लेके लिख के रख देना है ओके आपके साउथ साउथ किसी भारी चीज के नीचे ओके यस एंड ये करना है साउथ 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 वेस्ट में ओके तो राहत मिल जाएगी मिल जाएगी जरूर मिल जाएगी नाइस जितने लोग भी कर से जूझ रहे हैं वो ये ट्राई करके जरूर देखें ओके घर में कभी कभी ऐसा लगता है कि अचानक से बहुत नेगेटिव और बन गया है या नेगेटिविटी घर आके बहुत अच्छा मन नहीं करता बाहर ज्यादा अच्छा लगता है घर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फील होती है ये वास्तु में किस चीज के इम्बेलेंस की, की वजह से होती है सी, पहले तो फ्रंट डोर फेसिंग जो बोलते हैं अपन है। वो साउथ और वेस्ट में अगर ऐसा है तो उस घर में झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं लोग बीमार बहुत ज्यादा होता है पड़ोसियों से झगड़ों भी बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये चीजें आप फेस कर सकते हो घर में आके अच्छा नहीं लगेगा हाँ। बीमार बीमार सा फील होगा लोनलीनेस हाँ। का मतलब खाए खाने लगेगी तो ये साउथ डोर और वेस्ट वाले डायरेक्शन वाले मेन डोर की वजह से हो सकता है ठीक है okay. प्लस आपके रूम में आपका नॉर्थ हमेशा साफ होना चाहिए नॉर्थ इज फॉर अपॉर्चुनिटी ठीक है तो नॉर्थ आपका हमेशा साफ होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट हमेशा आपका साफ होना चाहिए वो ऑब्वियसली ईशान्य को तो बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी ऐसा कहते हो तो देवताओं का देवताओं का स्थान है, है यस ओके तो वो दोनों जोन आप साफ रखिए आपको वो कम महसूस होगा जो आप फील करते हो अजीब वो क्लटर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो आपके दिमाग में घुस जाएगा यस करेक्ट यस किसी का क्वेश्चन है कि शादी से रिलेटेड किसी की शादी नहीं हो रही है यस या किसी स्पेसिफिक पर्सन से करनी है पर घर वाले मान नहीं रहे और दोनों के बीच में बहुत प्यार है तो हम वास्तु अपने घर का क्या ऐसा चेंज करें जो वो चीज उस इंसान की okay. हो जाए? सबसे पहले तो देखो साउथ वेस्ट में कपल फोटो अपनी जो भी है आप लगा सकते हो लेकिन घर तो, में तो कैसे लगा में, लगाए? अपने रूम में तो लगा सकते हो ओके okay. आपके रूम के साउथ वेस्ट में आप अपनी कपल फोटो जो स्माइली स्माइली फेस ऐसे अच्छी वाली फोटो लगा लो गोल्डन कलर का फ्रेम लगा लो या फिर स्टिक कर सकते हो आप गोल्डन कलर की टेप उस पर ठीक है तो आप वो रखो उसके ऊपर कुछ और चिपकाना है तो चिपका सकते हो लेकिन रखो ठीक है यस yes, वो रखनी है प्लस एस्ट्रोलॉजिकल में एक उपाय बताऊंगी फॉर दिस कि आपकी शादी उससे हो जाए ठीक है सोमवार आता है एक आपको चुन्नी लेनी है रेड कलर की उसमें आपको चावल रखने हैं एक मुट्ठी चावल आपको नॉर्मल अखंड खंडित नहीं होनी चाहिए चावल पूरे पूरे चावल आपको रखने हैं और उस पर्सन का नाम और आपका नाम आपको रेड कलर के पेन से उसमें लिखना है और को रखना है उसको पोटली बना के शिव पार्वती जी के मंदिर में छोड़ आना है मेरी शादी इनसे करवा दो मंडे को मंडे को तो वो आपको करना है प्लस अगर आ, शादी नहीं ही हो रही है तो डेफिनेटली आप नॉर्थ वेस्ट में सोना शुरू कर दीजिएगा ओके okay. शादी डेफिनेटली हो जाएगी भले लड़का हो या लड़की हो वहाँ उच्चाटन की ही दिशा है तो डेफिनेटली आपका हो ही जाएगा ओके okay. सो so, वो बेसिकली वो जो हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट जो पड़ता है वो जो नहीं हो रहा है काम वो रख दो वहां यस

तो वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः ये करना पड़ेगा फॉर डेज उसके बाद पति को करना हो हो को खुश खुश करना करना पड़ेगा और लड़के के साथ अगर ये हो रहा है तो डेफिनेटली शुक्र का बीज मंत्र आप जाप कर लो शुक्राय नम ओके इससे रिलेटेड हमने लास्ट आपने एस्ट्रोलॉजी वाले वीडियो में शायद इस चीज को हम मिस कर गए थे मैं अभी ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये बात हो रही है चार्ट में जब हम किसी लड़के की मैरिड लाइफ या उसकी वाइफ को देखते हैं तो हम उसका शुक्र देखते हैं राइट का देख रहे होते हैं, तो भी हम शुक्र कही देखते हैं देखते हैं बट वहां पे शनि और गुरु बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मेरे हसबेंड तो को देखना है तो मैं कहीं ना कहीं प्लेसमेंट भी आपको देखनी पड़ेगी ओके okay. क्योंकि yes. आपने अभी बोला कि गुरु आ, को कहीं ना कहीं कही कही, करना, यस ओके सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब शुक्र शुक्र करते हैं लेकिन yes. अगर लड़कियां अपने हस्बैंड के लिए कुछ देखना चाह रही है बुल्य yes. के हिसाब से देखना चाह रही तो उनको गुरु और शनि और, और शनि की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी ओके आज तक मैं गलत ही देख रही थी फिर मैं शुक्र को ही देख रही थी मैं खुद ही शुक्र हूँ पहले तो ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत बार आते हैं है, okay. मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन आप सब कुछ रख सकते हैं डिसीज okay. में ऐसा ऐसा नहीं मेडिकल ट्रीटमेंट आपको जरूर लेनी चाहिए ऐसे वास्तु पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए बट वहाँ पे ना थोड़ी राहत मिल जाएगी आपको

Uh, उसको रेड कलर के क्लोथ में बांधो प्लस uh, नॉर्मल अक्षत फूल हो गए या हल्दी कुमकुम चढ़ा दो रख दो प्लस एक पार्ट आपको श्री सुक्त का कहना है एक पार्ट आपको श्री महालक्ष्मी अष्टगम का कहना है या फिर चला लो यूट्यूब वगैरह पे ठीक है ये उपाय आपको शुक्रवार की रात को करना है ग्यारह से दो बजे के बीच में आधी रात को मतलब, yes, मतलब एक बार आप करके देख लो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना वो बस रखने के तो वक्त ही है, भूलना है okay. बस और चुछ चुछ करने चुछ चुछ करने ऐसा नहीं होता साथ वाले को पता होना चाहिए आएंगे मैं ही खाऊंगा बैठ के फिर सारे पैसे वाटर से रिलेटेड सारी चीज जैसे लोग अपने सिरहाने रख लेते हैं पानी रख लेते हैं या फिर वॉटर टैंक्स की हम बात करें वॉटर प्योरीफायर है या किसी का घड़ा है तो सबसे ज्यादा पानी जो यूज होता है घर में उन सारी चीज को हम किस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में आप रख सकते हो बेझक आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते okay. हो साउथ uh, ईस्ट में भी रख सकते हो ठीक है बट मेक श्योर दैट ब्लैक कलर की टंकी नहीं होनी चाहिए या ब्लैक कलर का वाटर प्यूरिफायर नहीं होना चाहिए अगर यूज कर रहे हो तो मेक श्योर दैट आप वहां पे ग्रीन कलर की टेप लगा दो ओके okay. एंड ये uh, आप अभी ऐसा कह रहे हो क्योंकि मैंने एक uh, कहीं ना कहीं uh, बात की थी से तो मुझे ये पता चला मुझे जो अभी तक पता है आई नो कितने लोग इस पे अग्री करेंगे या नहीं ब्लैक जो कलर है वो कहीं ना कहीं वाटर को ही करता no, है नो ऐसा कुछ नहीं है मुझे ये मिथ मिथ है या क्या है मुझे ऐसा है। कुछ भी नहीं है वॉटर वाटर no, 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 में नहीं आता नहीं आता है तो आप नॉर्थ में भी कहीं ब्लैक कलर यूज नहीं कर नहीं कर सकते okay. करना भी नहीं चाहिए ओके okay. सो so, कलर थ्योरी में ब्लैक कलर ना ठीक है कहीं भी नहीं है ग्रे है ठीक है नॉर्थ में हम आ, लाइट ग्रे कलर यूज नहीं कर सकते हैं जैसे ऑब्वियसली okay. उसके जोन है तो एन थ्री और एन एट का ग्रीन है hmm. और नॉर्थ का ब्लू है तो डेफिनेटली ऐसे जोन के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा बट ब्लैक तो कहीं नहीं है ओके तो नहीं यूज करना चाहिए नाइस एन एज जो आपने फिर से बोला वो मुझे प्लीज बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि 45 वो दिशाज है ठीक है हाँ डायरेक्शन सर उसमें भी हम सोलह ज्यादा देखते हैं सोलह के भी आठ है हम्म ठीक है तो उसमें वो प्लीज ज़ोन्स हैं एन वन से लेके एन एट तक जैसे ई वन से लेके ई एट तक ऐसे जोन है उनके कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट है

Uh, like लड़की नहीं मिल रही है किसी लड़की को लड़का नहीं मिल रहा है ओके सबसे पहले भाई कपल्स uh, को पूजना चालू करो इन द सेंस कि कपल फॉर्म में देवता है अगर आप अकेले शिव जी को पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली वो अकेले आपको वैराग्य ही देंगे शिव पार्वती को साथ में पूजोगे तब कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी ठीक है okay. जैसे कृष्ण को ही आप पूछते हो कृष्ण जी को ही कर रहे हो तो ऐसा नहीं है राधा रानी को भी करिए या फिर रुक्मिनी जी की भी प्रतिमा लाइए साथ में तो ऐसे कपल को पूजना है आपको ठीक है और कोई इजी कोई इजी रेमेडी है तो भाई एक लॉक ले, ले ले एक बंद ताला उसको आपको नॉर्मली बंद करना है सैटरडे के दिन करो ये बंद करो और उसको बाहर रख के आ जाओ चौराहे पे और पीछे मुड़ के नहीं देखना जो भी आएगा इंसान वो खोलेगा आपकी किस्मत ठीक हो जाएगी आपकी लव लाइफ स्टेबल हो जाएगी अच्छा लेकिन रोड पे लोग मारने ना लगे मतलब नहीं मारेंगे क्यों मारेंगे रात रात को क्या राट राट को है? कर सकते हो ओके okay. रख के आ जाओ चौराहे के अलावा कहीं नहीं रख सकते नहीं ओके इज वेरी इंपॉर्टेंट तो चौरा चौराहे में लॉक ताला वो लॉक ही खरीद कर लाकर उसको बस वहां पे छोड़ो वहां के रख सकते हो बस अपने हाथ से खोलना नहीं है नहीं अपने हाथ से बंद जरूर करना है खोलना नहीं है जब बंद करके उसको रख देना है ओके okay, फिर मन सिंगल्स है जो जो भी। भी। सिंगल ना तो कोई ना कोई तो मिलना चाहिए या yeah. तो इसके लिए ओके okay. देखो ये करके देखना, कर कर किसी देखना? मिले तो प्लीज कमेंट करना <laughs> <laughs> कि ये काम किया ओके okay, बहुत सारे कपल हैं जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाहते हैं लेकिन उनको बेबी नहीं हो रहा है okay. उनके लिए दोनों तरीके से वास्तु में अपने घर में वास्तु कैसे देखना है क्या देखना है कौन सा जोन देखना है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप कुछ बता सकते हो ओके बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम पहले लेते हैं कि भाई डेफिनेटली uh, आपके सेकंड हाउस में अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए बिकॉज आपका चलिए वहां पर राहु की प्लेसमेंट आ गई तो डेफिनेटली डीले हो सकता है सिक्स और ट्वेल्थ का भी यही कॉम्बिनेशन बना बनना बनना चाहिए बेसिकली बेसिकलीके okay. अच्छा और उसके स्पेसिफिक डेज भी है ठीक है अगर आपको आ, फिर, भी नहीं, बहुत साल हो फिर भी नहीं हो रहा है तो मेक श्योर दैट कि आप एक ट्राई करो कि ऋतु स्नान बोल के गूगल एक टर्म है ऋतु स्नान मतलब आफ्टर पीरियड्स जब खत्म होते हैं हमारे तब तो हम बाल धोते हैं ठीक है थीके, उसको ऋतु स्नान कहा जाता है उसके बाद आप सेक्स कर सकते हो वेडनेसडे की रात को आप सेक्स कर सकते हो और सैटरडे की रात को आप सेक्स कर सकते हो तो ये बेस्ट दिन होते हैं कंसीव करने के ज्यादा या okay. पूर्णिमा या फिर अमावस के दिन भी नाइस nice. यस yes. तब हाई चांसेस होते हैं तो अगर ऐसे देखकर कोई कपल वो कर रहा है तो हो सकता है कि उनको उस चीज से रिजल्ट रिजल्ट मिल रहा है करेक्ट और मेक श्योर दैट प्लीज आपकी बेडशीट का कलर आपका रूम का कलर बहुत इम्पोर्टेंट है फोटो फ्रेम आपकी कपल फोटो फ्रेम लोग ऊपर लटका के रखते हैं बट बेड साइड इसके टेबल पे टेबल पे तो वो नहीं रखनी चाहिए आपको ऊपर सर के ऊपर नहीं रखनी चाहिए या एकदम बिल्कुल बिल्कुल बगल बिल्कुल में बगल टाइम स्पेंड कर सकते हो अगर बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन से मुझे और एक क्वेश्चन है जैसे बहुत सारी फीमेल या मेल के भी ये वो आते हैं कि आपके पास भी क्लाइंट्स आए होंगे जिसमें वो लोग का कहना ये होता है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी मुझे रिस्पेक्ट uh, नहीं देते या टाइम नहीं देते या अब वो चार्म नहीं है उस रिलेशनशिप में या हस्बैंड कभी ये बोलना होगा तो कैसे उस रिलेशन को फिर से ठीक किया जा सकता है यू नो देखो स्पार्क कैसे लाए वो स्पार्क कैसे लाए एस्ट्रोलॉजिकली डेफिनेटली कुछ कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया कि डिवोर्स के चांसेस तब होते हैं प्लेसमेंट जब खराब होती है प्लैनेट्स की तो डेफिनेटली आपको आ, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन इज द की नहीं बात कर रहा बिठा के बात करो फिर भी नहीं हो रहा तो क्या ही करोगे <laughs> बहुत लोगों का प्रॉब्लम है क्या है एग्जैक्टली बात ही नहीं हो रही स्पार्क खत्म हो, हो गया है स्पार्क खत्म हो गया इन द सेंस कि आपस में कम्युनिकेशन नहीं होती है लोगों की अः तो नॉर्थ ईस्ट में बैठो कम्युनिकेशन होने लग जाएगी साउथ ईस्ट में सेक्स करो सब कुछ हो जाएगा दिक्कत क्या है <laughs> <laughs> मतलब अगर वेस्ट में उनका बेडरूम है तो <laughs> साउथ ईस्ट में जाएंगे करने के लिए हाँ, जाना पड़ेगा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है आई आई विश कैन कीप दिस आल्सो मनी यानी किसी को प्रॉब्लम है पैसे नहीं आ रहे हैं उनके पैसे फंस गए हैं पैसे आ ही नहीं रहे यू you नो know, बहुत मेहनत कर रहे हैं इधर उधर हाथ मार रहे हैं कि पैसा कहीं ना कहीं न सेविंग बने कुछ पैसे आए क्या प्रॉब्लम है सबसे इम्पोर्टेंट ना किसी भी आ, कोई भी आप शास्त्र उठा के देख लो या पुराण उठा के देख लो पैसा बचाने का कोई उपाय दिया ही नहीं है बचत का कुछ नहीं है बचत का कुछ नहीं है आए इसलिए बहुत है बट उसको बचा के रखे इसके लिए कुछ भी नहीं है वो बस आप अपने क्षमता क्षमता के हिसाब से करो कर। आप खर्चे कम करो क्या करना है खर्चे कम करो खर्चे कम करना That's true सिक्स है तो भाई अपने खर्च करेगा ओके okay, सो so, विद्या अभी चल रहा है पितृपक्ष कुछ दिन निकल चुके हैं हमारा पॉडकास्ट थोड़ा सा लेट है लेकिन पितृपक्ष में क्या चीजें हमें करनी चाहिए ताकि हम अपने पित्रों को खुश कर सके और पितृपक्ष में मुझे ये भी जानना है कि पितृदोष क्यों लगता है किसी पे okay. और उसकी क्या रेमेडी हम कर सकते हैं आपके भग... भग... पित्र भगवान के समान ही है बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत टाइम से बहुत योनि में अटकने के बाद उनको बहुत एक स्थान, स्थान मिल रहा है ठीक है तो डेफिनेटली आपको पितृदोष अगर देखना चाहिए तो कुंडली का सेकेंड हाउस फोर्थ हाउस नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगा जरूर जिसमें शनि मंगल सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं त्रिकोण बना के उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है राहु अकेला त्रिकोण में बैठा है तो भी प्रॉब्लम दे सकता है लग्न में बैठा है फिर भी प्रॉब्लम दे सकता है तो ऐसे पितृदोष लगता जरूर है ठीक है अगर मतलब इसके सिम अगर आपको कुंडली देखना नहीं आ रहा ठीक है तो आप इसके सिम्टम्स देख लो अगर आपके बार बार झगड़े हो रहे हैं आपको पड़ोसियों से भी झगड़े हो रहे हैं आपके रिलेटिव रिलेटिव भी, भी आपसे दूर हो चुके हैं आपको मनी से बहुत ज्यादा प्यार आ गया है तो ये भी लक्षण है पितृदोष के लेकिन मनी से आएगा सबको प्यार आज के दिन इंसान को आप अहमियत नहीं दे रहे हो ऐसे कुछ लोग है एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसको इंसान मतलब पैसा है ठीक है कोई जरूरतमंद है उसको दे नहीं रहा वो खुद के लिए अपने बच्चे के लिए भी नहीं दे रहा ओके okay. सब अपने, ले हाँ, है। सब अपने ले है। तो ऐसे उसके दिन हम श्राद्ध करेंगे तर्पण करेंगे hmm. और या फिर दीपदान करेंगे बहुत सारी चीजें होती है तिथि तो के हिसाब से हाँ तिथि थी, के हिसाब से औरे? अगर आप करना शुरू करो तो अगर किसी को याद नहीं है तिथि तो सर्वपित्री अमावस्या के दिन ही आप सबका करते हो ठीक है बट हमेशा ना इसके कुछ नियम है वो आपको फॉलो करने चाहिए जब भी आप खाना खाओ आप तर्पण जरूर करो तर्पण करना है इन द सेंस उनके लिए एक हिस्सा निकाल के रखना है okay. और किसी भी नदी में या पानी में जाके या घर के मतलब पूरब में जाके ऑब्वियसली पानी छोड़ सकते हो तर्पण करना पानी छोड़ना कहते हैं ठीक है थीके? और आप जब भी उनके लिए भोग लगो काले तेल जरूर यूज करिएगा उसमें काले तिल का एक विशिष्ट महत्व है ऑलरेडी मोक्ष प्राप्ति के लिए काले तिल यूज हुए थे देन बेसिकली uh, अगर किसी को याद नहीं और बहुत भयंकर वाला पितृदोष है उसको hmm. जैसे कि अभी किसी का को कोर्ट केस चल रहा था उसको पितृदोष था okay. उसका uh, कुछ हो ही नहीं रहा था पेरेंट्स के पैसे फंसे हुए नहीं रहे hmm. तो उसको मैंने उपाय बताया कि बाबा आप श्रीफल ले लो उसके बाद आप फिर uh, एक चांदी का सिक्का दान करो और uh, उसको कहीं मिट्टी में दबा के चले आओ या फिर उस चीज को किसी गरीब को दे दो श्रीफल एंड श्रीफल चांदी का सिक्का मिट्टी में दबा के आना है रात के टाइम पे या फिर अगर वो पॉसिबल नहीं है आपके यहाँ तो आप किसी गरीब को दान कर दो वो चीज ओके okay. उससे आपका पितृदोष कम होना शुरू हो जाएगा कम्पलीटली वो नहीं जाता डेफिनेटली उसके लिए आपको नारायण नाग बलि हो गया अश्लेषा बलि हो गया ऐसे बहुत सारे आ, उपाय करने पड़ेंगे पूजा करनी ही पड़ेगी पितृदोष की प्रॉपर पंडित से, से जाके बिकॉज okay. बहुत सारे लोग हैं ना गुमनाम है बाबा जिनके पेरेंट्स डेड बॉडीज ही नहीं है उनके पास कुछ मिला ही नहीं है उनको पता ही नहीं कहा इंसान तो वो फिर किस चीज कैसे शाद करे और क्या हाँ, करे अनचुरल डेथ हुई है तो नारायण नागबली आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पे दो ही क्षेत्र है जहाँ पे ये चीजें होती है एक तो महाब कर्नाटक वाला महाबलेश वाला गोकर्ण और दूसरा है जो अपना त्रंबकेश्वर नासिक में नासिक में ओके तो वहां पे आप जाके करवा लो पितृपक्ष में कोई भी नई चीजें आप नहीं ले सकते ठीक है आपको नई चीजें नहीं लेनी चाहिए पितृपक्ष में या yeah, ना आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना आपको कोई नई चीज खरीदनी है ना कपड़े नए लेने कुछ भी नहीं करना ओके okay, और खान पान पे भी ध्यान देना सी बेसिकली ये आपको ऐसा ऐसा लगता लगता होगा होगा कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, कि आपका पेट ना पितृपक्ष वाले दिनों में भरा भरा सा रहता है ठीक है तो मे भी आपके जो भी पिछले जन्म के जो भी आपके बच्चे रहे या लोग रहे वो आपके दान कर रहे हैं आपको आपका श्राद्ध कर रहे हैं इसलिए आपको भरा भरा सा फील हो रहा है वो चीज भी है मतलब मैं समझी नहीं एक बार फिर से समझो मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पिछले जन्म में आप कुछ तो रहे होंगे लड़का लड़की बहू किसी हाँ. की कुछ भी तो आपके जो परिवार वाले हैं पिछले जन्म के इस जन्म में भी तो आए वो आप इस यस तो ऑब्वियसली उन्होंने आपका कुछ किया होगा श्राद्ध वगैरह ओके okay. आपकी डेथ के बाद इन श्राद वाले महीनों में तो आपको भरा पेट भरा-भरा सा फील होगा आपको भूख नहीं लगेगी ज्यादा ऐसा होता है थे थे? ये new है। हाँ ये न्यू है ये है ऐसी लेकिन ये चीज़ तो definitely आप उस पे थोड़ा सा लाइट ही खाना शुरू करें तो सही रहेगा आपके और बहुत सात्विक सात्विक भोजन इस टाइम इस पे आपको, आपको आ, हेल्दी चीजें खानी चाहिए खानी चाहिए इस टाइम पे आपको जैसे सर्दी आएगी ऑब्वियसली गर्म चीजें हम खाने लगे तो इस टाइम पे ये बीच का मौसम है ना बारिश और ठंडी तो बहुत, okay. yes. so, अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना जॉब नहीं मिल रही है hmm. मन चाहिए जॉब या फिर जॉब ही नहीं मिल रही है okay. वो उस फील्ड में पढ़ाई करके बैठे और अच्छी डिग्री ले लिया लेकिन उनको उस हिसाब से वो जॉब नहीं मिल रही है काम नहीं मिल रहा है स्ट्रगल के बाद क्या करें डेफिनेटली uh, आपका चार्ट इम्पोर्टेंट है अगर चार्ट के हिसाब से चीजें नहीं हो रही आपके साथ तो आप स्मशान में एक बल्ब जरूर डोनेट करके आए okay. स्मशान में आपको बल्ब डोनेट करके आना है और इसका बल्ब या ट्यूबलाइट आपकी ऑब्वियसली वो एंड है लाइफ का ठीक है वहां से कुछ शुरू होना है बिकॉज किसी ने कुछ किया होगा इसलिए नहीं हो रहा ऐसे तो लग जाती है मेहनत करेगा इंसान तो जॉब तो लगनी है अगर नहीं लग रही फिर भी मेहनत ही है सब कुछ हो रहा है बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे फिर, हाँ, भी, नहीं फिर हो भी नहीं हो रहा कि उसको डेफिनेटली करना चाहिए स्मशान में जाके ही वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए कुछ जाएगा होगा हाँ, तो वो कुछ कट जाएगा मतलब अंधेरे में सारी एंड में अपन कुछ दान करके कुछ जला रहे लाइट आ रही है ऐसा सो इसीलिए मैं ये उपाय करने को कह रही हूँ आपको की मशान में लाइट डोनेट करके आज बल्ब या फिर ट्यूबलाइट वो nice. तो आपके लिए बहुत जरूरी है और दूसरे लोग हैं कि बाबा जिसकी कुंडली बकवास ही है ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी कुंडली बहुत बहुत कमेंट आते हैं ऐसे यार हम हाँ, मेरी तो बकवास हाँ. ज्यादा तो उन मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा उनकी जिंदगी में ऑब्वियसली आपके पिछले कर्मा जो है वो आएंगे बहुत आएंगे आपको टेस्ट किया जाएगा बार बार अच्छे दिन भी आते ही है बट अगर आपसे नहीं रुका जा रहा और सब कुछ बुरा बुरा कंटिन्यूसली चल ही रहा है ना तो एक गाय को खरीद लो या फिर गौशाला में एक गाय की सेवा ले लो उसका सब करो गोबर भी उठाना है उसको खाना भी खिलाना है उसका सब करना है okay. तो ट्वेंटी वन डेज ही पकड़ लो उसके बाद आप देखो आपकी किस्मत थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएगी बिकॉज गौ माता के पेट में तैतीस कोटी अगर देव निवास कर रहे हैं तो कुछ तो रीजन है करना शुरू करो या फिर वो होता है ना कि अगर गौ माता अपनी मतलब हथेली तो कुछ लोग बोलते तो हैं है। है। हाँ, yes. okay. है है, yes. पर वो कर्मों के हिसाब से होती है हाँ. लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जितने भी वास्तु अपने घर में वास्तु ठीक कर लो या अपने कुंडली पचास अलग अलग बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से दिखा लो आपके राजयोग हैं Yes. लेकिन आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा आंसर ये है क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे हैं अगर आपको ये लग रहा है कि वाओ, मेरे को तो बहुत अच्छा अच्छा एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया है लाइफ में तो बहुत कुछ होगा हाँ। मेरे चार चार बंगले होंगे लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है बिकॉज आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार है उसके आप कर्म नहीं कर रहे हैं उस लाइफ लाइक या फिर आप कुछ करने ही नहीं वाले और आप बस किस्मत के भरोसे बैठे अब बात करते हैं नवरात्रि के बारे में क्योंकि अभी दुर्गा माँ आ रही है दुर्गा माँ और इस दस दिन नवरात्र के हम मुंबई में हमारे यहाँ भी धूम मस्ती है डांडिया खेलते है सब कोई yes. करते हैं लेकिन हम जो बात करते हैं कि हमारी जो हमारे वेद हैं जिस हिसाब से हमारे शास्त्रों में लिखा है क्या क्या उपाय हमें एक्चुअली करने चाहिए मैं बहुत ज्यादा डीप बात नहीं कर रही हूँ पूजा okay. पाठ की लेकिन हम ऐसे छोटे मोटे क्या चीजें कर सकते हैं जिससे इस नवरात्र के बाद हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाए नवरात्रि बहुत पावरफुल होती है ठीक है बिकॉज ऑब्वियसली वो एक स्पिरिट है उनको कोई भी मतलब बंधन नहीं है जैसे शिव हो गए उनको भी कोई मतलब वो जैसे भोले है 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 दयालु दयालु वैसे का भी भी है, है। उनको वो फर्क नहीं करती जैसे बोलते हैं ना कि इन दस दिनों में भूत प्रेत भी घूम गए तो बांद, बाल बांध के चलना चाहिए परफ्यूम लगा के ज्यादा नहीं चलना चाहिए, चाहिए। ऐसा बोलते हैं ऐसे बोलते हैं लेकिन ये सच भी है ठीक है बहुत सारे ब्लैक मैजिक और इस तरह की चीजें भी इस टाइम पे होती है ठीक है बिकॉज नवरात्रि चार टाइप की आती है अपने को दो अपन हमें दो ही पता है सिर्फ एक गुप्त गुप्त नवरात्रि नवरात्रि एक एक नहीं हमें एक चैत्र नवरात्री है ठीक हाँ? है उसके बाद गुप्त नवरात्रि आएगी फिर एक गुप्त नवरात्रि आएगी फिर शरद नवरात्रि आएगी अभी ये जो आने वाली वाली है वाली है शरद तो ये चार नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि में ऑब्वियसली तांत्रिक लोगों की क्रियाएं बहुत होते है वहाँ पे दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है अच्छा और जो शारदीय नवरात्रि है वहाँ पे दुर्गा के स्वरूप की पूजा की जाएगी या फिर महाकाली की पूजा की जाएगी ओके तो डेफिनेटली उसके लिए छोटी-छोटी मोटी ऐसे रेमिडीज है डिपेंड्स कि आपको किस चीज के पे चाहिए अगर आपको भक्ति में लीन होना है उनके तो डेफिनेटली ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र जाप करिए रोज 11 माला आप कर सकते हो ठीक है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएगा आपके ओके okay. आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएगा ठीक है उसके बाद आप डेफिनेटली उनको हमेशा पान का बीड़ा जरूर खिलाना चाहिए इन दस दिनों में इन दस दिनों में उनको okay. लिए वो बहुत प्रिय है अभी सप्तमी और अष्टमी शायद एक ही दिन पे है तो डेफिनेटली आप एक पूरा थाल ले लो उस पे माता को चुन्नी भी दान करना उनके अगर मंदिर है तो आप वहाँ पे ध्वज भी दान कर सकते हो वो भी आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा प्लस बीड़ा बीड़े में दो लौंग दो इलायची भीमसेनी कपूर भी आप उनको दान करिएगा प्लस जो भी चीज है हो गई इलायची हो गई काली मिर्च हो गई उसका पूरा सोच समझ के या बहुत खुले हाथ से करो साधनाओं के लिए कुछ खास दिन है मैं यही बोलूंगी सप्तशती के पाठ शुरू कर दो डेफिनेटली कनक धारा स्त्रोत्र करना शुरू कर दो ललिता सहस्त्र नाम करना शुरू कर दो प्लस uh, एक है uh, सिद्ध पूंजी का स्त्रशती में ही लिखा हुआ है उसको शुरू कर सकते हो आप इस नवरात्र में बहुत ज्यादा uh, नजर वगैरह भी लगती है बिकॉज हाँ. ये दोनों के लिए है ना अगर गुप्त नवरात्रि तांत्रिक ने वो मिस कर दिया कुछ, या कुछ लोगों ने वो मिस कर दिया वहां तो ऑब्वियसली पैसा होकर सिद्धियां भी दे देती जैसे रावण को भी तो मिल गई थी बहुत सारी सिद्धियां उसने बुरा किया इसलिए वो बुरा हुआ उसका तो अगर कोई करता है किसी इंटेंशन से करता है तो वो डेफिनेटली आप आप कट ही जाएगा, ईयर में नहीं कर सकते किसी के साथ छेड़ता हाँ. है अगर फिर भी आपके साथ ये हो रहा है तो डेफिनेटली उपाय मैंने पिछले पॉडकास्ट में बता दिए थे इस बार वो वापस बता देती हूं कि फिटकरी और आलम अपने पास हमेशा रखो अपने पर्स में? अपने पर्स में रखो आप उसको पेंडेंट बना के पहन लो आप कुछ भी करके पहन लो अपने पास ही रखना लेकिन सो so, आज बहुत सारी बातें हुई और आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद भी नीचे काफी सारे कमेंट्स होंगे कुछ क्वेश्चंस के कुछ चीजें अगर नहीं समझ पाई है तो विद्या हमेशा रेडी है आंसर देने के लिए और अगर आप चाहते हैं मैं इनको दोबारा बुलाऊं तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि, कि किस टॉपिक पे हम लोग बात करें क्योंकि एक वास्तु एक्सपर्ट है और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं तो एस्ट्रोलॉजी में तो इनकी बहुत ही अच्छी खासी पकड़ है और आपको रेमेडीज भी काफी सारी मिली होगी इस पॉडकास्ट में तो प्लीज कमेंट करके बताइए पहले तो ये पॉडकास्ट कैसा लगा और कुछ क्वेरी है तो प्लीज कर, कमेंट करके ये भी लिखिए कि आपको ये समझ में नहीं आया या आप इसके yes. बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं मैं आंसर पक्का कर दूंगी इन कमेंट सेक्शन कि अगर yeah. आपको कुछ डाउट्स है तो वास्तु रिलेटेड स्पेशली तो हम आंसर कर देंगे करेक्ट एंड अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहता है विद्या से तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका सारा डिटेल इनकी इंस्टाग्राम आई इनका अपना जो उनका फोन नंबर है सारी चीजें आपको मेंशन कर दूंगी तो प्लीज इनसे कंसल्ट करिए और इनसे बात करिए अपने कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग बस इतना ही रखते हैं एंड हमने बहुत सारी बातें कर ली वास्तु के बारे में एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी रेमिडीज एंड स्पेशली पितृपक्ष चल रहा है Uh, पितरों के बारे में एंड आने वाली नवरात्र के बारे में एंड अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड थैंक यू विद्या थैंक यू फॉर कमिंग दूसरी बार आप आ रही है मेरे पॉडकास्ट में द खेरा शो में एंड इस बार भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे थैंक यू सो मच सो गाइज देखते रहिए द दे खेरा शो इसी तरह प्यार दीजिए मुझे एंड मैं लेती हूँ विदा टेक केयर